इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आई एम सॉरी, अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में हमने अब तक एलसीआर सर्किट रेजोनेंस और कल पावर इन एसी सर्किट देखा है ना, ये सारी चीजें हमने अब तक देखी है बेटे। आज हम देखने जा रहे हैं द फर्दर पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि पैरेलल जो सर्किट होता है तो पैरेलल वाला सर्किट कैसे परफॉर्म करेगा, इसको ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये ऐसा सर्किट है जिसमें हमने मान लो यहां पर इस तरह तो ये है आपका इंडक्टर, ये है आपका कैपेसिटर और ये है आपका रेजिस्टर, ठीक है। और यहां पर आपने एसी लगा दिया, ठीक है। तो एल सी आर पैरेलल सर्किट, ध्यान दीजिए सब लोग, एल सी आर पैरेलल सर्किट। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस एल सी आर पैरेलल सर्किट में अगर हम बात करें कि हमने जो ईएमएफ यहां पर अप्लाई किया वो अगर है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा अगर है तो क्या तीनों ब्रांचेस में ईएमएफ सेम होगा? क्यों भाई, है ना? तो क्या तीनों में ईएमएफ सेम होने वाला है? यस, तो इसमें भी ईएमएफ ई ही होगा, ई आर, ई सी और ई एल तीनों सेम होंगे। ई इज इक्वल्स टू ई आर भी होगा, ई सी भी होगा, ई एल भी होगा, तीनों में सेम टू सेम होगा, राइट? अच्छा, क्या करंट सब में अलग अलग होगा? जी बिल्कुल, सब में करंट अलग अलग होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि टोटल करंट आपका इंस्टेंटेनियस करंट अगर आए है तो इसमें जो करंट रहेगा वो रहेगा आई आर, करंट आई आर, ये करंट होगा आई सी और ये करंट होगा बेटे आई एल। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से द करंट विल बी डिवाइडेड। अब हम ये जरूर कह सकते हैं यहां पर कि करंट अगर फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें इसका, तो अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम, सब लोग ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर अगर मैं कंसिडर करूं हियर, इफ देर इज रिजल्टेंट ई, ई जो आपका है, जो है ई आर के बराबर, जो है ई सी के बराबर, जो है ई एल के बराबर, है ना? तो अगर हम ई एम एफ को, रिजल्टेंट ई एम एफ को एक्स एक्सिस पे है ऐसा अगर कंसिडर करें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट इसके साथ फेज में रहेगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो करंट है तो ये आई आर हो जाएगा जो फेज में रहेगा ई के साथ। लेकिन हमें पता है आई एल के बारे में, आई एल में इंडक्टर में कौन लीड करता है, इंडक्टर में कौन लीड करता है? ई एम एफ लीड करता है, ध्यान रखना। तो इसीलिए उसका जो करंट होगा वो पीछे होगा, इंडक्टर का ईएमएफ आगे, इसलिए उसका करंट आई एल पीछे की तरफ होगा, ठीक है।
उसी तरह जो कैपेसिटर में करंट होगा तो वो लीड करेगा, क्योंकि उसमें ईएमएफ लैग करता है ना, तो आईसी ऊपर होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस तरह से फेजर डायग्राम में हम बोल सकते हैं कि तीनों में वोल्टेज ड्रॉप तो सेम होगा, है ना, लेकिन करंट अलग-अलग होगा। और ये करंट कितना होगा तो इसको भी लिख लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि IL जो बनेगा आपका, IL जो बनेगा तो आपका IL बनने वाला है रिजल्टेंट E अपॉन XL। उसी तरह से IC क्या होना चाहिए, IC होना चाहिए रिजल्टेंट E अपॉन XC। सिंपल, तो IL भी पता हो गया और IC भी पता हो गया। अब अगर हम ऐसा मान ले कि अगर आपका IC बड़ा है IL से, अगर ऐसा मान लेते हैं एक केस, है ना, अगर IC बड़ा है तो फिर इसका फेजर डायग्राम में IC माइनस IL कर देंगे जो ऊपर की तरफ आएगा, क्यों भाई, है ना, IC माइनस IL। तो अब फिर से अगर हम ड्रॉ करें यहां पर, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसमें मैं लिखूंगा कि ये बन गया आपका इधर IC माइनस IL, और IR किधर है, ये रहा आपका IR। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट करंट होगा वो रिजल्टेंट करंट किधर होगा, सो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। ये दोनों जहां पर जाके मिलेंगे उस पॉइंट पर। ऑलराइट, ऐसे राइट। ठीक है, ये समझ में आया, दिस इज योर आई। जी हाँ, तो इस तरह से आप आई को ढूंढ सकते हो। और रिजल्टेंट ई किधर है, रिजल्टेंट ई यहां पर है, ध्यान रखना ई यहां पर है। तो आई और ई के बीच में फेज डिफरेंस रहेगा फाइव, फेज डिफरेंस कितना रहेगा, फाइव रहेगा, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके सर्किट को जान सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट लिख लो इसको। चलो, तो अब आगे बढ़े, ये समझा सबको, तो क्या फाइ ढूंढ सकते हो आप यहां से, बिल्कुल फाइ भी आप ढूंढ सकते हो आराम से अभी, है ना, ग्रेट। Gracias.
अब तो इसका पूरा जो डिटेल में एनालिसिस है, तो ये एनालिसिस इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती हमें, ठीक है बेटे। तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारी चीजें। सो चलिए, अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई जब ये इस तरह से ई एल ई सी आर तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन करंट अलग अलग होंगे, और जो रिजल्टेंट करंट बनेगा आपका तो वो इस तरह से बनेगा, जिसका एक साइड क्या होगा, ये आई सी माइनस आई एल, और एक साइड होगा आई आर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि रिजल्टेंट करंट पाइथागोरस थ्योरम से, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई सी माइनस आई एल होल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर, ये बना फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट करंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट करंट ढूंढने का ये फॉर्मूला है। उसी तरह अगर फेज डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई जो है फाइ, सो दिस फाइ विल बी इक्वल टू टेन फाइ के टर्म्स में, ठीक है। टेन फाइ कितना होगा, अपोजिट आई सी माइनस आई एल डिवाइड बाय आई आर, ठीक है। सो फाइ बनेगा आपका टेन इनवर्स ऑफ ये सब झमेला आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर। इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका आई सी जो है, अभी अभी लिखा हमने, आई सी है ई बाय एक्स सी, आई एल है ई बाय एक्स एल, और आई आर क्या होगा, आई आर होगा ई बाय आर, राइट। तो डायरेक्टली अगर पुटअप कर देंगे हम, तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ आई सी की जगह पर ई अपॉन एक्स सी माइनस ई अपॉन एक्स एल डिवाइड बाय ई अपॉन आर, तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स सी माइनस वन बाय एक्स एल डिवाइड बाय वन बाय आर। तो इस तरह से आप फाइ को ढूंढ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो एनीबडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, ओके। सो लेट अस गो अहेड। अब
हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैसे बनता है। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। तो पैरेलल रेजोनेंस के लिए ये देखा गया कि वी हैव कंसिडर्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पर एक ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं जिसको ध्यान से देखो। तो हियर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को हमने पैरेलल में लगा दिया और इसको हम एसी अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखो सब लोग, ठीक है। तो ये है आपका एल और ये है आपका सी और ये है एसी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट किस तरह से बनता है इसको हम समझना चाहते हैं। इसमें बेटे रेजोनेंस का मतलब होता है, हमने लास्ट टाइम एलसीआर सर्किट जो बनाया था तो एलसीआर सर्किट में हमने करंट को मैक्सिमम किया था, है ना। तो ऐसा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके लिए करंट आपका मैक्सिमम आता हो, है ना, करंट आपका मैक्सिमम आता हो तो मैक्सिमम करंट के लिए रेजोनेंस वहां पर हमने कंसिडर किया था। लेकिन यहां पर रेजोनेंस का डेफिनेशन उल्टा है, एकदम काम की बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर करंट मैक्सिमम नहीं होता, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, हियर रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट इज सडनली रिड्यूस टू जीरो या मिनिमम, ठीक है। करंट सडनली रिड्यूस हो जाता है जीरो या फिर मिनिमम करंट को, ओके, एंड इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही ऐसा होता है जहां पर करंट मिनिमम हो जाता है। मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे यहां पर, किसकी बात करेंगे, मिनिमम करंट की बात करेंगे बेटे, ध्यान में रखो मिनिमम करंट की बात करेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस का डेफिनेशन यहां पर उल्टा है, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस हियर इज दैट करंट इन द सर्किट सडनली रिड्यूसेस टू जीरो, सडनली करंट रिड्यूस होना चाहिए जीरो को, तभी जाके हम इसमें रेजोनेंस है ऐसा कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब अगर आपका आई शुड बी इक्वल्स टू जीरो तो मैं बोल सकता हूं कि आपका जो इम्पेडेंस होता है जेड, इम्पेडेंस होता है ई अपॉन आई, यस और नो। इम्पेडेंस क्या होगा, ई अपॉन आई होगा। तो इस इम्पेडेंस को हमें कैसे बनाना होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इम्पेडेंस बहुत ज्यादा, वेरी वेरी लार्ज इनफाइनाइट आपका इम्पेडेंस होना चाहिए। तो चलिए इसका फेजर डायग्राम से शुरुआत करते हैं, इसको कैसे ढूंढा जाए।
सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले फेजर डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी अभी ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम, आपका ई यहाँ पर होगा, ठीक है, यह है आपका ई विच इज इक्वल टू ई एल विच इज इक्वल टू ई सी जो हमने अभी अभी देखा। और बेटे जो करंट इन कैपेसिटर होगा, करंट इन कैपेसिटर लीड करता है या लैग करता है? इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो आईसी ऊपर होगा, यहां पर होगा आईसी, और पीछे कौन होगा? आईएल होगा, ठीक है। और मैंने रेजिस्टेंस यहां पर कंसिडर नहीं करते हम जनरली, ठीक है, ताकि हमें करंट जीरो मिले, इसलिए रेजिस्टेंस यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो आईसी में से आईएल को हटाना पड़ेगा, तो यहां पर ये एक तीसरा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा यहां पर आएगा, जिसका नाम होगा आईसी माइनस आईएल, जो अभी अभी किया था हमने, आईसी माइनस आईएल, और ये दोनों में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। क्लियर? यहां तक समझा? और फिर हमने जैसे अभी लिखा था तो वैसे ही लिखेंगे फिर से, के आपका आईसी क्या होगा? तो आईसी होगा आपका ई अपॉन एक्ससी, आईएल क्या होगा? ई अपॉन एक्सएल, ये होगा, ये पता चल गया, ठीक है जी। अब जो नेट करंट आएगा, नेट करंट आए क्या बनेगा? आईसी माइनस आईएल, आईसी माइनस आईएल, ये होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि नेट करंट आई इक्वल्स टू आईसी की जगह पर ई अपॉन एक्सी लिख दूं? क्या चलेगा? माइनस इसकी जगह पर ई अपॉन एक्सएल बोल दूं? दोनों में से ई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आई इक्वल्स टू ई कॉमन 1/XC माइनस 1/XL, राइट। अब यहां से क्या मैं जेड ढूंढ सकता हूं? बिल्कुल, जेड तो मिल जाएगा हमें, ई अपॉन आई। जेड क्या होता है? जेड होता है इम्पेडेंस होता है ई अपॉन आई, तो ई अपॉन आई तो ये नीचे जाएगा, सो 1/ ये पूरा ब्रैकेट 1/XC माइनस 1/XL, ध्यान से देखो। अब हमें इसमें बेटे Z को इनफाइनाइट कराना है, ठीक है। वैसे ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Z का बन जाता है यहां पर, ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना होगा, ये Z का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। Z इक्वल टू 1/ ब्रैकेट 1/XC माइनस 1/XL। अब हमें क्या कराना है? इसको जीरो कराना है। अगर इसको जीरो कराना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ये जो पूरा टर्म है, ये 1/XC माइनस 1/XL मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फॉर करंट टू बी जीरो एंड जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी एट रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस पाने के लिए हमें आई को जीरो कराना है, तो आई को जीरो कराना है मतलब ये पूरा टर्म जीरो, इसका मतलब 1/XC माइनस 1/XL शुड बी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब 1/XC इक्वल्स टू 1/XL, इसका मतलब XC इक्वल्स टू XL, इसका मतलब ओमेगा C इक्वल्स टू 1/ओमेगा L, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, है ना, इसका मतलब ये ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, ये होता है 2 पाई n 1/√LC। तो यहां से n क्या बन जाएगा?
वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। इसको कहीं देखा देखा सा लगता है हमने, ये जो एन आया यहाँ पर, इस एन को तो हमने पहले भी देखा है ना, इस एन को हमने पहले देखा है, कहाँ देखा है? तो ये एक्चुअली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी था सीरीज एलसीआर में, और पैरेलल एलसीआर में भी यही रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आया, राइट? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है? तो इस फ्रीक्वेंसी पर आपका, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब एसी का होगा तब जाके पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस पैदा होगा और करंट जीरो आएगा, इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फास्ट लिखो, समझा ये पैरेलल रेजोनेंस? क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो बताइए।